अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे हम एक चीज़ को कर करके बोर हो गए हैं, इतना बोर कि कुछ करने का मन नहीं करता। बस स्ट्रेस, टेंशन और लोनलीनेस रहती है। आज मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगी जिनसे आप अपनी बोर को ओवरकम कर सकते हो। पहली टिप है ड्राइंग। जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि बस हम उसे परफेक्ट बनाने में जुट जाते हैं। फिर अब पोयम। पोयम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आर्ट है जिससे हम अपने इमोशंस डिनोट कर सकते हैं। नाम दिया है आखिर बहू भी बेटी होती है। फिर है क्राफ्ट, जिससे हम अपना घर सजाते हैं, घर का कोना सजाते हैं। तो क्राफ्ट सिर्फ पेपर कट करके ही नहीं, बल्कि आप क्लोथ्स पुराने कपड़ों से और वेस्ट मटेरियल से भी बनाओ। उसके बाद जो फोर्थ टिप है वो है डांस। अगर आप डांस में अच्छे हो तो वेल एंड गुड, तो आप सॉन्ग प्ले करके अपने नए स्टेप्स बनाओ और अपने डांस को और भी परफेक्ट बनाओ। पर अगर आपको डांस करना नहीं आता पर आपको पसंद है डांस करना, तो आप भी सॉन्ग प्ले करके डांस करो, क्योंकि आप अभी घर में हो और आपको अभी कोई नहीं देख रहा। फिर बात आती है सिंगिंग की और रैपिंग की। जो ये चीज़ है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमको रिलीफ प्रोवाइड करती है किसी भी स्ट्रेस। उसके बाद बात है गार्डनिंग। गार्डनिंग से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हम अपने बोर को ओवरकम कर पाते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। दूसरी जो है कि हम नए प्लांट्स उगा सकते हैं। कुकिंग, खाना तो सबको पसंद है और खाने से हमें याद आता है ऑयली फूड। पर मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप हर टाइम ऑयली फूड बनाओ। वीक में एक बार बना सकते हो, वो अलग बात है, पर आप अपने लिए हेल्दी फूड बनाओ जिससे आप भी हेल्दी रहो और आपकी फैमिली भी हेल्दी रहे। उसके बाद बात है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की। जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है हमारी लाइफ में। तो आप अपने जो आपका सामान है उसे सिस्टमैटिकली ऑर्डर करो या सिस्टमैटिकली अरेंज करो, ताकि जब भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ढूंढनी हो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद हम में से बहुत लोगों को एक्टिंग पसंद है, और एक एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिससे आप दूसरों को भी हंसा सकते हो और अपने को भी खुश रह सकते हो। तो ट्राई करो कि आप एक्टिंग में और परफेक्ट हो जाओ।